जनपद अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे 9 किनारे स्थित हवेली होटल में राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड के डायरेक्टर सीनियर आईएएस श्रीश कुमार खाना खाने के लिए रुक गए, जहां खाने में उन्होंने कढ़ाई पनीर व दाल मखनी ऑर्डर दिया। खाना आने के बाद जब उन्होंने शुरू किया तो कढ़ाई पनीर में अचानक से एक हड्डी आ गई, जिस पर वह भड़क गए और वहां के स्टाफ को जमकर फटकारा। हड्डी देखकर अधिकारी का मूड खराब हो गया और उन्होंने पहले होटल के स्टाफ को फटकार लगाई और फिर प्रशासन को सूचना दी। कुछ देर बाद मंडी धनोरा की SDM चंद्रकांता, प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह व खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने जो हड्डी खाने में निकली थी उसका नमूना भी लिया है। SDM ने बताया कि फिलहाल होटल को बंद करवाया जा रहा है। जो खाना आया था उसका नमूना व हड्डी को भी कब्जे में लिया गया है, जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। मैं उत्तराखंड में हूँ, सीनियर PCS अफसर हूँ। अच्छा सर, तो यहाँ उड़ीसा में अकाउंटिंग में ऑब्जर्वर बनाया गया हूँ जी। मुझे 2 तारीख को रिपोर्ट करना है, आज रात को मेरी फ्लाइट है जी। क्या नाम लिखते हैं सर पूरा? श्रीश कुमार। अच्छा सर, क्या हुआ यहाँ हवेली रेस्टोरेंट में? ना, हम लोग यहाँ से पास ऑन हो रहे थे तो बेटे ने खाने के लिए कहा, तो हम यहाँ खाना खाने के लिए बैठे जी। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये जी। खाना मंगाया तो खाना वेज ही मंगाया, वेज खाना खाने लगे। खाना शुरू ही किया था कि उसमें ये पनीर की सब्जी मंगाई थी, तो उसमें ये मुर्गी की हड्डियाँ हड्डी नहीं। अच्छा, पूछने पर इन लोगों ने ये बताया कि सब वो रात स्टाफ के लिए बना था और गलती से वो शायद वो इसमें आ गया है। रात को यार कोई खा करके झूठा इसमें पनीर में कढ़ाई पनीर में डालता है क्या? तो हमने इनसे बुला करके पूछा तो ये सॉरी सॉरी बोलने लग गए। मैंने यहाँ जिले के लिए के अधिकारी को बताया, ADM साहब से बात किया, असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टिस से बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि हम भेजते हैं, वो लोग आए कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।